नमस्कार, घर का शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम निमोना बनाएंगे हरे मटर से। खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और हम इसको बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो अभी मटर का भी सीजन चल रहा है और नए आलू का भी सीजन चल रहा है, तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए छील के मटर रखा है और इसको मैंने अच्छी तरीके से धुल भी लिया है। और 4 मीडियम साइज का आलू है, 2 टमाटर है और 2 प्याज है, 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो आधा प्याज हम इसमें से बचा लेंगे और बाकी का हम पेस्ट बना लेंगे। अदरक और लहसुन का भी हम पेस्ट बना लेंगे और टमाटर को छोटा छोटा काट लेंगे और आलू को भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। और हम मटर को पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, हल्का सा दरदरा पीसेंगे। मटर में से थोड़ा सा मटर हम ऐसे निकाल लेंगे, ये देखिए इतना हम निकाल लेंगे और बाकी हम दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने देखिए मटर पीस लिया है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, देखिए हल्का दरदरा है। और आलू मैंने देखिए इतने बड़े टुकड़े में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटा है। और अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है मैंने। तो अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, टेबल स्पून मैंने लिया है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, इसको हम मिला लेंगे इसी में। धनिया कम लग रहा है, थोड़ा सा धनिया हम और ले लेंगे, ये देखिए इतना छोटा चम्मच है उससे मैंने लिया है। इसको हम साइड में रख देंगे और एक कढ़ाही लेंगे। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाही चढ़ा दिया है, तो इसमें 1 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो ये आलू हम इसमें डाल देंगे। हम थोड़ी थोड़ी देर से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई कर लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे साइड से करके निकालेंगे ताकि इसमें जो तेल हो वो कढ़ाई में ही रहे। इसमें इतना तेल बचा हुआ है, इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तेल और डाल देंगे। निमोना में थोड़ा सा ज्यादा तेल लगता है, आप चाहे तो कम में भी बना सकते हैं या तो और ज्यादा तेल में बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो इसमें थोड़ा सा हम मेथी दाना डाल देंगे। निमोना बनाते समय आप ध्यान रखिए कि सरसों का तेल ही लीजिए, सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है। इसमें प्याज डाल देंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, जो आधा प्याज हम बचा के रखे थे। और निमोना बनाने के लिए हो सके तो आप लोहे की कढ़ाई लीजिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना हुआ निमोना और ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसका कलर चेंज होने देंगे तो हल्का सुनहरा हो गया है ये। इसमें हम 1 से 1.5 इंच हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद तुरंत इसमें ये मसाला हम डाल देंगे, जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट था और उसमें धनिया हल्दी और मिर्चा हम मिला के रखे थे। और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। अच्छी तरीके से मसाला भून गया है, तेल देखिए अलग हो गया है। तो इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और साथ में हम ये मटर भी डाल देंगे जो पीस के रखे हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये मटर भी डाल देंगे जो बचा के रखे थे। लो गैस फ्लेम पे ही इसको भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। इसको भूनने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा लो गैस फ्लेम पे। और जितने अच्छे से इसको हम भूनेंगे इसका स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। आप निमोना बनाने के लिए जब भी मटर लीजिए तो ताजा मटर लीजिए, क्योंकि अगर बहुत पुराना हो जाता है, कई दिन का हो जाता है, तो उतना बढ़िया मीठा नहीं रहता है और उतना बढ़िया स्वादिष्ट निमोना नहीं बनता है। अगर आप ताज़ा मटर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया निमोना बनेगा। तो ये भून चुका है, अब हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे।
हरी मिर्च आप अपने पसंद अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं, जैसा भी आपको खाना है। इसमें हरी मिर्च बहुत ही अच्छा लगता है। हर घर में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो तीखा ज्यादा खाते हैं, एक होते हैं जो तीखा कम खाते हैं। तो आप इस तरह से निमोना बना लीजिए और उसमें इस तरह से हरी मिर्च डाल लीजिए। तो जिसको तीखा ज्यादा खाना है उसको हरी मिर्च दे दीजिए। ये हरी मिर्च भी निमोने के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे जो हम फ्राई करके रखे हैं। इसको आलू के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो गया है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने पसंद अनुसार थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। निमोना थोड़ा सा गाढ़ा पसंद होता है, किसी किसी को थोड़ा सा पतला पसंद होता है, तो आप अपने पसंद अनुसार पानी डाल सकते हैं इसमें। अब हम गैस फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आने लगा है तो अब हम गैस फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से ऐसे पकने देंगे। इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे थोड़ी सी। आपको धनिया पत्ती पसंद है तो ही डालिए, बहुत से लोगों को धनिया पत्ती नहीं पसंद होता है निमोने में। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए, हरे ताजे मटर का निमोना बनके तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा ये निमोना। इसको आप रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, सभी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस सर्दी के मौसम में आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपसे कैसा बना ये निमोना। अगर आपको मेरी ये निमोना बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।